गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ेंगे, इट मींस मेजरमेंट पर्सन में। आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी सर एक मोस्ट साइंटिफिक मेथड है जो आपको डिस्पर्शन फाइंड करने के लिए, कि हम लोग कैसे डिस्पर्शन फाइंड करेंगे सर, तो एक प्रोसेस है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आज हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन डिस्पर्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय न्यू। इट मींस इस तरीका से एक सिंबल होगा जिसको न्यू बोलेंगे। ये स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल है। इट मींस कहीं अगर SD लिखा हुआ, इट मींस स्टैंडर्ड डिविएशन, तो आप उसके प्लेस पे ये भी लिख सकते हैं। इट मींस स्टैंडर्ड डिविएशन को एक सिंबल है न्यू, जिससे हम लोग डिनोट करते हैं। तो आते हैं सर कि स्टैंडर्ड डिविएशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें भी आपको तीन सीरीज होगा, इट मींस इंडिविजुअल। तो तीनों सीरीज में हमको मेथड से पढ़ना सर। आप याद कीजिए, मीन जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पे क्या पढ़े थे, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। सेम उसी तरीका से स्टैंडर्ड डेविएशन में भी सर हर एक सीरीज में तीन मेथड क्वेश्चन बनाना है। तो हम लोग आते हैं एक एक कर तीनों मेथड पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज कि अगर क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का होगा सर, तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको कभी कभी बोल देगा कि बाय यू मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड या सर डिस्टर्ब हो रहा है, सर डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ। मिनट, अब देखिए हम लोग इंडिविजुअल सीरीज, अभी हम बोले आपको कि स्टैंडर्ड डेविएशन में तीन सीरीज होगा सर, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो तीनों सीरीज को तीन मेथड से बनाएंगे सर। इट मींस इंडिविजुअल सीरीज है तो इसमें तीन मेथड होगा। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन शॉर्टकट मेथड और थर्ड वन स्टेप डेविएशन मेथड। इस तरीका से जब हम लोग मीन पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़े थे कि तीन मेथड से हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको दे रखेगा कि आप इस सीरीज को बाई यूजिंग डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड किसी से भी बनाइए। तो अगर दे दे तो आप तीनों मेथड जाने हुए रहेगा, किसी से भी बना सकते। तो हम एक सीरीज को आइए डिस्कस करते हैं कि तीनों मेथड से कैसे बनाएंगे सर। तो पहले हम ये तीनों का फॉर्मूला आपको लिख रहे हैं। इट मींस कि अगर डायरेक्ट मेथड होगा सर, तो सॉरी यहाँ इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी को न्यू से भी जानते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर बाई एन होगा सर, जहां पे d क्या होगा, d इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन। यहाँ पे एक्स माइनस मीन है सर। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट मेथड। सेकेंड वन है शॉर्टकट। शॉर्टकट में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा सर, तो शॉर्टकट में लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट समेशन ऑफ d स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ डी बाई एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे डी क्या है सर, एक्स माइनस ए होगा। ए क्या है सर, ए है अज्यूम मीन। यहाँ ए है आपका अज्यूम मीन, आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू अज्यूम मीन। तो इस तरीका से हमारा दो मेथड का फॉर्मूला हो गया। अगर डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज को पूछेगा तो वहां लिखेंगे डी स्क्वायर बाई एन, है ना।
इसका यहाँ समेशन दे दीजिएगा, समेशन ऑफ टी स्क्वायर बाई एन, और ये हो गया शॉर्टकट। नेक्स्ट है स्टेप डिविएशन मेथड सर, यहाँ इसका फॉर्मूला क्या जाएगा आपका, तो यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन इट मीन्स न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ आ जाएगा समेशन ऑफ डी डैश का स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ डी डैश बाई एन का होल स्क्वायर, ये आपका होगा इंटू सी, रूट के बाहर लिखेंगे इंटू सी। तो यहाँ पे सी क्या है सर और डी डैश क्या है, तो डी डैश इज इक्वल टू डी बाई सी है सर, और सी क्या है, सी इज अ कॉमन फैक्टर। आप पहले फार्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, आइए स्क्रीन पे आपका इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं सर कि क्वेश्चन बनेगा कैसे सर। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 25 जो स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है, क्वेश्चन है फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं कि समेशन ऑफ क्या था वहां, डी स्क्वायर वाई एन अंडर रूट में था, है ना। तो यहाँ डी फॉर डेविएशन, आपको पता है डी कैसे निकलता है सर, एक्स माइनस ए, है ना। ए कहां से इसमें लेंगे सर, तो एज्यूम कर लेंगे एक्स में से। आप याद कीजिएगा जब मेन पढ़े थे सर तो वहां भी ए आया था एज्यूम करने के लिए, है ना। तो किसी को भी आप एज्यूम कर सकते हैं। तो पहले आप एक बार इसको, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और बना के देखिए। तो आते हैं इस क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर। तो देखिए आपका इंडिविजुअल सीरीज है, सीरीज हमारा इंडिविजुअल है सर, और तो बोल रखा है कि डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन बनाना। तो सबसे पहले हमने वैल्यू लिख लिया इट मीन्स एक्स, और आपको बताए हैं कि डी इज इक्वल टू इसमें क्या लेना है सर, फार्मूला में हम लिखवाए होंगे एक्स माइनस मीन, ये मीन का सिंबल है ना। इट मीन्स सबसे पहले आपको मीन फाइंड करना होगा सर। तो मीन आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, मीन में भी आपको हम बताए हैं कि तीन मेथड होता है सर, चाहे डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिविएशन। हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज किए हैं, सम ऑफ एक्स वाई एन, एक्स हमारा ये गिवेन है सर, उसका सम करेंगे 150, एन हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 5 है सर, डिवाइड कीजिएगा आपको मीन आ जाएगा। मीन जैसे ही आ जाएगा सर, डिविएशन मेरा आ जाएगा, क्योंकि डिविएशन का फॉर्मूला है एक्स माइनस मीन। तो हर एक एक्स यहाँ देखिए क्या डिफरेंट है, यहाँ मॉडुलस का सिंबल नहीं है सर, इसके पहले जो हम लोग निकाल रहे थे वहां मॉडुलस आ रहा था ना। तो यहाँ डिविएशन में, स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या है कि अगर वैल्यू निगेटिव होगा तो हम लोग निगेटिव लिखेंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। तो डिविएशन आ गया। अब फार्मूला में है कि क्या समेशन ऑफ, यहाँ समेशन है सर डी स्क्वायर का, तो जो डी आपका आया उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ माइनस 20 है, इसका स्क्वायर करेंगे 400, माइनस 10 है सर, उसका स्क्वायर करेंगे 100। सिमिलरली ये सारा लिख लिए, और फार्मूला में समेशन ऑफ डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर के सारे वैल्यू को ऐड कीजिएगा, 1 आ जाएगा आपका। फिर फार्मूला में पुट कर दिए समेशन ऑफ डी स्क्वायर 1000, एन हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है सर, 5 ऐड कीजिएगा 200, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ गया सर। तो इस तरीका से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 26। ये भी आपका इंडिविजुअल सीरीज का ही क्वेश्चन है सर, लेकिन इसको सेकंड मेथड से बनाना है, इट मीन शॉर्टकट मेथड से बनाना है सर। ये बोल रहा है फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन बाई शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, उसी का यूज करना है इसमें। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन क्लियर करते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं सर।
कि क्वेश्चन नंबर 26 कैसे बनेगा। तो यहाँ आपको बोल रखा है कि इसको शॉर्टकट मेथड से बनाना है सर। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आपके पास है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस है यहाँ समेशन ऑफ डी बाई एन का होल स्क्वायर। सर याद रखिएगा कि एक आपको डी इट मींस डेविएशन का सम चाहिए सर, और एक डेविएशन के स्क्वायर का सम चाहिए सर। फार्मूला को गौर से देखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ डेविएशन के स्क्वायर का सम है, यहाँ डेविएशन का सम है। इट मींस एक डी का सम आपको फाइंड करना है, एक डी के स्क्वायर का सम फाइंड करना है सर शॉर्टकट मेथड में। तो हमने क्या किया, एक्स पता था, यहाँ क्या होगा d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होगा सर। तो ए क्या होगा सर, हमने आपको लिखा है कि ए एज्यूम मीन है। एज्यूम मीन एज्यूम किसमें से करेंगे सर, तो जो ये आपका एक्स गिवन है इसी में से आप किसी को एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग सेंट्रल वैल्यू को एज्यूम करते हैं। आप किसी भी वैल्यू को आप एज्यूम कीजिएगा, बाद में इसको चेकआउट कीजिएगा, देखिएगा आंसर सेम ही आया। इट मींस अगर 6 के प्लेस पे आप 4 को एज्यूम कीजिए या 8 को एज्यूम कीजिए सर, आंसर में आपका वैरी नहीं करेगा। हम यहाँ पे क्या किए, जनरली सेंट्रल वैल्यू को एज्यूम करेंगे। तो यहाँ ए किसको, 6 को। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए, डी निकाले हैं। एक्स माइनस ए का मतलब यहाँ एक्स इसमें 2 है सर, और ए तो फिक्स हो गया कितना, a इज इक्वल टू 6 हम लोग एज्यूम किए, इट मींस लेट किए। तो हर एक जो x है उसमें 6 माइनस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि 4 प्लस 2 6 हो गया सर, और माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6 हो गया, कैंसिल आउट होके अगर इसका सम करें तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ डेविएशन का स्क्वायर है सर, इसको सम कीजिएगा तो 40 आएगा। अब यहाँ फॉर्मूला हमारे पास है शॉर्टकट मेथड का, कि सम ऑफ डेविएशन का स्क्वायर बाई एन, और यहाँ सम ऑफ डेविएशन बाई एन का होल स्क्वायर। तो डेविएशन के स्क्वायर का सम हमारा 40 है सर, और एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है सर, तो 5 है टोटल, 1 2 3 4 5 से डिवाइड किए माइनस, यहाँ सम ऑफ डेविएशन देखेंगे इट मींस डेविएशन का सम हमारा 0 है सर, 0/5 का स्क्वायर, ये तो 0/5 0 हो गया। तो डायरेक्ट हम रूट में 40/5 लिख दिए, आप कैंसिल आउट होगा, रूट 8 हो गया सर, इसका वैल्यू 2.82। आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। सीरीज आपका सेम ही है सर, इट मींस इंडिविजुअल सीरीज में हमने दो मेथड सीखा, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड सर। अब नेक्स्ट जो आपका है स्टेप डेविएशन मेथड, तो क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व आउट करते हैं, क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ आपका एक्स गिवन है ना, एक्स गिवन है सर, इसको स्टेप डेविएशन मेथड से बनाना सर। तो पहले हम फार्मूला पे फोकस करते हैं। यहाँ है डी डैश का स्क्वायर सर, यहाँ डी डैश का स्क्वायर है बाई एन, यहाँ डी डैश बाई एन का होल स्क्वायर। इट मींस आपको इसमें डी डैश निकालना है सर। तो डी डैश इज इक्वल टू होता है डी वाई सी, जहां सी के बारे में हम बोले थे कि सी कॉमन फैक्टर होता है। तो आप देखिएगा कि सी कैसे 100 लिए सर, तो यहाँ इंटरवल देखिएगा कितने का है। अगर इसमें इंटरवल देखेंगे, देखेंगे सर 100 का इंटरवल है सारे में, सारे जो वैल्यू है उसके बीच जो आपका इंटरवल है 100 का है, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 100 सर। अब 100 आ गया, इसके बारे में तो आपको हम बता चुके हैं कि डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता, वो तो आपके फार्मूला में है। आप इसमें से किसी एक को एज्यूम कर लीजिए, हम देखिए हम जनरली सेंट्रल वैल्यू को एज्यूम करेंगे, यहाँ हम 300 को ए एज्यूम कर लिए है ना। तो ए एज्यूम इसको किए, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ वैल्यू आया है, इट मींस हमारा ए है 300। अब x माइनस 300, हर एक x को 300 से माइनस करेंगे सर, तो
तो क्रॉसपॉन्डिंग एस का वैल्यू आपका आ जाएगा। जैसे ही डी आएगा तो हमको डी डैश निकालना है, डी डैश का मतलब डी बाई सी। तो सी हम पता किए सर कि इंटरवल जितना का होगा वही हमारा सी होगा, तो सी से डिवाइड करना है, जो भी हमारा डी आया उसको सी से डिवाइड कर देंगे। तो आपका यहाँ -2 -1 जीरो होगा, यहाँ 100 में 100 से होगा 1, यहाँ 2। अब डी डैश का स्क्वायर किए, क्योंकि हमारा फार्मूला में डी डैश का स्क्वायर भी पूछ रहा है, तो जो भी हमारा डी डैश आया है उसका स्क्वायर निकाल लिए। फिर क्या किए हैं, डी डैश का सम निकाल लिए सर, और यहाँ डी डैश के स्क्वायर का सम निकाल लिए। तो डी डैश के सम हमारा 0 आया है और डी डैश के स्क्वायर का सम 10 आया है। अब आइए फार्मूला पे, फार्मूला में आपका सी जो है रूट से बाहर है, रूट के अंदर इतना ही है। तो यहाँ क्या है, डी डैश के स्क्वायर का सम, इट मींस डी डैश के स्क्वायर का सम हमारा 10 है सर, 10, और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, 5 कर दिए। यहाँ डी डैश इट मींस सम ऑफ डी डैश अगर किए सर तो ये 0 आ गया है आपका, तो 0 by something 0 होगा सर, उसका स्क्वायर भी 0 होगा। तो ये 5 2 10 डायरेक्ट हम यहाँ रूट 2 लिख दिए इंटू 100। रूट 2 का वैल्यू 1.414 होता है सर, इंटू 100। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर ये भी है करेक्ट है। लेकिन होता क्या, हम लोग अगर बुक का क्वेश्चन बनाते हैं तो उससे आंसर मैच करते हैं कि सर आंसर ये नहीं ये है, ये दोनों आंसर आपका करेक्ट है। ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, इसका वैल्यू आ गया 1.414 इंटू 100, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो जितना जीरो इधर रहेगा उतना जीरो राइट में भागेगा, इट मींस इधर भागेगा। अगर यहाँ एक जीरो और रहता तो 3 डिजिट को क्रॉस करता सर, तो यहाँ 2 जीरो था तो 2 डिजिट आगे गया, 141.4 आपका आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। इंडिविजुअल सीरीज में सर हम 3 मेथड पढ़े, कौन कौन सा, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। ये तीनों मेथड पे बेस्ड हमने क्वेश्चन किया कि सर इस पे क्वेश्चन आएगा कैसे सर। तो ये हमारा पहला था इंडिविजुअल सीरीज। अब हम लोग जो पढ़ेंगे सेकंड जो सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी सर सेम इसी तरीका से यहां भी 3 मेथड होगा, इट मीन्स डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और थर्ड वन स्टेप डेविएशन मेथड। तो आइए एक एक कर का इसके भी फार्मूला को जानते हैं सर कि इसमें क्या होता है, है ना। तो आप लिखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट एफ डी का स्क्वायर बाय समेशन ऑफ एफ। यहां पे डी क्या सर, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन। सेकेंड वन है शॉर्टकट मेथड, इट मीन्स इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू क्या होगा सर, तो यहां पे जाएगा अंडर रूट समेशन ऑफ एफ डी का स्क्वायर बाई, यहां भी सिंबल समेशन का छूट गया था, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, समेशन ऑफ एफ डी का स्क्वायर है ना, 1 मिनट, हाँ ठीक है। सेकेंड वन है इसमें क्या करेंगे सर, बाई समेशन ऑफ एफ बाई समेशन ऑफ एफ डी का स्क्वायर बाई समेशन ऑफ एफ का स्क्वायर जाएगा सर, और यहां पे भी d इज इक्वल टू आपका, यहां d इज इक्वल टू होगा x माइनस a, d इज इक्वल टू x माइनस a। ये एफ डी देखिएगा, एक यही स्क्वायर है f इंटू डी स्क्वायर, एक है होल का स्क्वायर, थर्ड वन है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन, इट मीन्स न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ डी डैश का स्क्वायर बाई समेशन ऑफ एफ माइनस
समेशन ऑफ एफ डी डैश डी डैश बाई समेशन ऑफ एफ का स्क्वायर इंटू, इसमें सी आ जाएगा एक, और डी इज इक्वल टू यहां भी एक्स माइनस ए होगा सर, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और डी डैश क्या है डी बाई सी। तो आप ये तीन फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए। डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखिए जो कि आपके स्क्रीन पे है। फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन वाई डायरेक्ट मेथड, इट मींस डिस्क्रीट सीरीज है सर, क्योंकि इसमें आपको एक्स और एफ यहां वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दोनों गिवेन है, तो हम लोग पहचान गए कि ये सीरीज कौन सा है डिस्क्रीट। तो इसको डायरेक्ट मेथड का भी जस्ट हमने फार्मूला आपको लिखा है, उसी के बेस पे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बना सर। ये डिस्क्रीट सीरीज है सर, डिस्क्रीट सीरीज में इट मींस एक्स और एफ आपको क्वेश्चन गिवन रहेगा, तो एक्स और एफ गिवन था और आप फार्मूला पे जाइए, तो यहां डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है समेशन ऑफ एफ इंटू डी स्क्वायर, है ना, समेशन ऑफ एफ इंटू डी स्क्वायर बाई समेशन ऑफ एफ। यहाँ पे डी क्या है सर, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन होता है, ये याद होना चाहिए आपको कि यहाँ पे डी क्या है सर, एक्स माइनस मीन। तो सबसे पहले आपको मीन फाइंड करना होगा, इसीलिए देखिए नेक्स्ट जो टेबल है हम एफ एक्स का निकाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मीन में अगर मीन याद होगा तो वहां डिस्क्रीट सीरीज में मीन का फॉर्मूला क्या होता था, समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ, तो एफ इंटू एक्स क्रॉसपॉन्डिंग एफ एक्स आ जाएगा 3 2 6 4 4 16। इस तरीका से हम सारा एफ एक्स निकाल लिया सर एफ इंटू एक्स करके, इसका जब सम कीजिएगा तो 96 होगा और फ्रीक्वेंसी का सम 16 है सर, जब आप डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, इस तरीका से हमारा मीन 6 आ गया। तो यहाँ हम नोट डाउन कर दीजिए कि मीन इज इक्वल टू 6, क्योंकि जब तक मीन नहीं फाइंड होगा सर डिविएशन मेरा नहीं आएगा। तो यहाँ डी इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन होता है, तो एक्स यहाँ देखेंगे एक्स मेरा यहाँ है, कभी कभी हम लोग गलती क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी को कंसिडर कर लेते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि हर एक एक्स में से मीन को माइनस करना है सर। तो यहाँ 2 - 6 - 4, इस बार 4 में से सिक्स को माइनस करेंगे सर -2, फिर में 6 को माइनस करेंगे 0, 8 - 6 करेंगे 2, 10 - 6 - 4, इस तरीका से डिविएशन आ गया सर। यहाँ गौर कीजिएगा एफ इंटू है, इट मींस फ्रीक्वेंसी के साथ किसको इंटू किया गया सर, डिविएशन के स्क्वायर को इंटू किया गया है, इट मींस ये तो हमारा डिविएशन आया सर, अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो ये जो डिविएशन आया उसका स्क्वायर लिख लीजिए, इट मींस -4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, सिमिलरली एज सोन। जैसे ही डी स्क्वायर आ गया सर, अब हमको चाहिए फार्मूला में है एफ इंटू डी स्क्वायर, इट मींस फ्रीक्वेंसी के साथ डिविएशन के स्क्वायर को इंटू करना, तो यहां हमारा फ्रीक्वेंसी है 3 × 16 कितना हो जाएगा 48, 4 × 4 = 16। सिमिलरली इसी तरीका से हम नोट डाउन कर लेंगे इसको और कैलकुलेट करेंगे, तो आपका समेशन ऑफ एफ इंटू डी स्क्वायर 1/136 हो जाएगा सर। अब हमारे पास फार्मूला है, इसमें हम लोग पुट कर देंगे समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर बाई समेशन ऑफ एफ है सर, तो समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर मेरा 136 और फ्रीक्वेंसी का सम हमारा कितना है 16 है, आप उससे डिवाइड कीजिएगा तो रूट अंडर 8.5 होगा, अगर उसका रूट निकालेंगे सर तो अप्रोक्स 2.91 होगा। तो इस तरीका से हमारा आंसर हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया है, इसमें पूछ रहा सर फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन वाई शॉर्टकट मेथड,
तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और शॉर्टकट का फॉर्मूला हम बताए हैं, आप बनाइए, रूट में निकाल के छोड़ दिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं सर कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड से बनाना है, तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आपके पास है, यहां हम फॉर्मूला लिख दिए हैं क्योंकि सारा क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड है। तो यहाँ d इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस a। याद रखिएगा मेन की कहां पे d इज इक्वल टू क्या पुट करना, तो यहाँ एज्यूम करना सर। तो फिर हम लोग क्या किए, सेंट्रल वैल्यू को एज्यूम किए, इट मीन्स 5 को हम a एज्यूम किए। f आपका गिवन है, तो a इज इक्वल टू हम यहाँ नोट डाउन कर दिए a इज इक्वल टू 5। अब यहाँ d निकालें सर, सबसे पहले x माइनस a, इट मीन्स एज्यूम मीन को हर एक x में से माइनस करेंगे। तो 3 माइनस 5 किए सर, फिर 4 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5, 7 माइनस 5, इस तरीका से हमारा d आ गया। उसके बाद d स्क्वायर निकालें, d स्क्वायर क्यों निकालें सर, क्योंकि फार्मूला में आपका f इंटू d स्क्वायर पूछ रहा है, इट मीन्स हमको d स्क्वायर चाहिए, तब ना हम f इंटू d स्क्वायर निकालेंगे। तो इसीलिए हम लोग डिविएशन का स्क्वायर निकाल लिए, और एफ डी भी चाहिए सर, क्योंकि जो आपका राइट साइड में इधर है, एफ डी बाई समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर है, इट मीन्स यहाँ एफ डी चाहिए और यहाँ एफ डी स्क्वायर चाहिए। तो ये दोनों टेबल निकालें, एफ डी निकालें, इट मीन्स इस बार डिविएशन को फ्रीक्वेंसी के साथ इंटू करके ये एफ डी आ जाएगा सर, और सेकेंड वन फ्रीक्वेंसी को डी स्क्वायर के साथ इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा डेटा। आप इसको पुट कीजिएगा तो ये वैल्यू है आपका जो हम यहाँ नोट डाउन किए, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 15/9 है सर, और ये माइनस 1/ कितना हो जाएगा, 81। आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ सर फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन बाय अ स्टेप डिविएशन मेथड, इट मींस इस बार जो क्वेश्चन बनाना है सर डिस्क्रीट सीरीज का, वो स्टेप डिविएशन मेथड से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और उसको फिर हम लोग सोल्व करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे सर। तो ये क्वेश्चन है सर डिस्क्रीट सीरीज का और इसको सोल्व करना है बाय स्टेप डिविएशन मेथड। तो फिर एक्स और एफ गिवन है आपको, और इसमें डी पहले निकालना है सर, और यहाँ डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होगा, इट मींस फिर से इसमें एज्यूम करना होगा सर। तो हमने इसमें से फिर सेंट्रल वैल्यू, हमने बोला है कि आप इसमें से किसी भी वैल्यू को एज्यूम कीजिए आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन जनरली सेंट्रल वैल्यू को एज्यूम करते हैं सर। तो हम 30 को एज्यूम किए, देयरफॉर ए इक्वल टू 30 हो गया। सेम उसी तरीका से डिविएशन एक्स माइनस ए, हर एक एक्स को जो एज्यूम किए उसमें से माइनस किए, इट मींस 10 माइनस 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, एज सो ऑन 60 माइनस 30। डी आ गया सर, डी डैश निकालना है। तो हमने आपको बोला था कि डी डैश क्या होता है, डी बाई सी। सी क्या होगा सर, जो इंटरवल होगा जो आपका एक्स है, देखिए कितने का इंटरवल है, तो देख रहे हैं 10-10 का इंटरवल है सब में, एक्स में, तो हमारा सी 10 हो गया। तो याद रखिएगा कि सी आता कहां से, इंटरवल जो होगा सर वही आपका सी होता है, और डी डैश का फॉर्मूला है डी वाई सी। तो हर एक डी को, क्रॉसपॉन्डिंग डी को सी से डिवाइड करिएगा, आपका यही वैल्यू आएगा। उसके बाद डी डैश का स्क्वायर लिखे, यहाँ डी डैश का स्क्वायर लिखे सर, क्योंकि हमको फॉर्मूला में उसका यूज है, तो जो भी डी डैश आया उसका स्क्वायर करके लिख दीजिए, इट मीन माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा सर, माइनस 1 का प्लस 1, सिमिलरली सो ऑन। फिर यहाँ पूछ रहा है एफ डी डैश भी चाहिए हमको, क्योंकि फार्मूला में आपका एफ डी डैश बाई समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर है, तो हम क्या किए, फ्रीक्वेंसी को जो हमारा डी डैश आया उसके साथ इंटू कर दिए, इट मीन्स 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, सिमिलरली इसी तरीका से सबको इंटू कीजिएगा, आपका एफ डी डैश आ जाएगा सर, और उसी तरीका से एफ डी डैश स्क्वायर भी हो जाएगा।
इट मींस इस बार फ्रीक्वेंसी d डैश के स्क्वायर के साथ इनटू करना है सर, इट मींस f इनटू d डैश का स्क्वायर 3 इनटू 4 12 5 इनटू 1 5 हो गया सर, 4 इनटू 0 0 और 2 इनटू 1 2 हो गया। तो इस तरीका से आपका डेटा एफ डी डैश का स्क्वायर का भी आ गया, दोनों का सम कर लिए, आपके फार्मूला में पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पुट कर दिए, और इनटू सी जो कि आपके रूट के बाहर है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा सर। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आज का क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं हम, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो एक सीरीज और हमारा बच गया है वो कंटिन्यूअस सीरीज, और उसी से हम लोग नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।